मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज दिन है शुक्रवार का और घड़ी बज रहे हैं 8 और चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। अंशिका और सभी लोग जगे हुए हैं, मतलब अंशिका और उनके पापा और आदित्य और हर्ष सोए हुए हैं, क्योंकि अभी 8 ही बज रहा है। तो सुबह का जितना छोटा मोटा काम होता है, जैसे कि क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वर्तन वॉश करना, वो मैंने कर लिया है। लेकिन अभी मतलब सिर्फ झाड़ू झाड़ू रोज में लगा रही, झूठ क्यों बोलूं, मैं पूछा लगाने में बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे ही घर इतना फैला हुआ है, पूछा उसमें लगाएंगे पैर पैर और भी गंदा ही होता है। एक बार ये सब काम खत्म हो जाए पूरी तरीके से, उसके बाद अच्छी तरीके वाली झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी धुलना धालना होगा वो होगा, पर अभी सिर्फ झाड़ू झाड़ू भी लगा रही हूँ। बस ऊपर कमरों में पोछा भी लगा लेती, इसमें रहती हूँ मैं ज्यादातर। आप देखते हो किचन के सामने जो कमरा है, बेडरूम, उसी में ज्यादातर हम लोग रहते हैं। किचन है, सामने ही कमरा है, तो ज्यादातर हम लोग उसी रूम में रहते हैं, तो उसमें मैं झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि सारा टाइम हम लोग को उसमें ही बीतता है। सारा टाइम कहाँ, हाफ टाइम, सोते हैं, उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, फिर आते हैं, खाते पीते सोते हैं, तो हाफ टाइम ही हो गया ना उतना ही। और चलते हैं आप किचन में तैयारी करने, मुझे खाना बनाने की। और आज लंच में बन रहा है जो कल मैं छेना फाड़ा हुआ था, उस छेने का कोफ्ता मैं बनाऊंगी। तो छेने कोफ्ता, रोटी, चावल, ये सब बनेगा, चलिए बनाते हैं। और अभी आदित्य और हर्ष सोए हुए हैं, और जो भी काम हम लोग चला समरसेबुल का, वो काम तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, 2-3 दिन उसमें और लग जाएंगे। मतलब जो आज बोरिंग वाला काम है वो तो हो जाएगा, लेकिन जो पानी की सफाई होती है, मशीन जो डालते हैं उसके अंदर, वो सब में तो टाइम लग जाएगा। मुझे यहाँ तक लगता है कि संडे तो आराम से बीतेगा, संडे बीतना ही बीतना है, यानी कि पूरा आज 8 दिन संडे को 8 दिन हो जाएगा। आज 5 दिन है, संडे को 8 दिन हो जाएगा। कोई नहीं, काम देर हो पर काम अच्छा होना चाहिए। बस आप लोग अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा कि पानी साफ निकले, उसे ही उम्मीद है। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, अपने मोहल्ले में जो मेरे भगवान हैं, डी बाबा हमारे हैं, से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मेरा पानी एकदम साफ निकले, जो पीला वाला पानी होता है वो ऐसा ना हो। आप लोग प्रे करिएगा मेरे लिए। तो फाइनली मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो छेना रखा हुआ है, 2-3 चम्मच बेसन है, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हरी मिर्च रखी हुई है। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेना है और इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इनको इतना फेंटना है फ्रेंड्स जितना कि इसमें से ऑयल इंक्रीज हो सके, ताकि ये बाइंडिंग करते बने। अगर ये भरभरा सा लग रहा है आपको, तो आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें आप दही, दूध या पानी भी डाल सकते हो। इससे हुआ क्या, थोड़ी बाइंडिंग करते बनेगी। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, हरी मिर्च और धनिया भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर, जो भी चाहे आप डाल सकते हो। और देखिए, इनको जितना फेंटोगे ना, उतना ही ये अच्छे से बाइंडिंग करते बनेंगे, मतलब एकदम स्मूथ आपका। और फेंटने से एक फ़ायदा और भी होता है, ये जो पकौड़ियाँ हैं, कोफ्ते हमारे, ये काफ़ी अच्छे बनेंगे, अंदर एकदम सॉफ्ट रहेंगे और काफ़ी अच्छे से ये ग्रेवी फूलेंगे भी, साइज में डबल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं अब पकौड़ियों को फ्राई कर रही हूँ, पकौड़ियाँ कहिए या कोफ्ते कहिए, छिने कोफ्ते, तो इनको फ्राई कर लेते हैं एकदम धीमी धीमी आंच में। ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद ये लहसुन और मिर्चा रखा हुआ है बारीक कटा हुआ, इनको डाल देते हैं। यहाँ सब्जी मेरे हस्बैंड जी बनाने लगे थे, कि मुझे कुछ लेट हो रही थी, उन्होंने कहा तुम हटो, मैं त्याग करता हूँ सब्जी, और पनीर की सब्जी तो इनकी फेवरेट सब्जी है, तो उन्होंने कहा तुम जाओ अपना दूसरा भी काम कर लो, सब्जी मैं तैयार कर देता हूँ। पनीर बनाना इनको बहुत पसंद है, तो यहाँ जैसे ही लहसुन मिर्चा हल्का ब्राउन हुआ, प्याज डाल दिया इन्होंने, और अब नमक ऐड कर रहे हैं, तो ये सब्जी जल्दी बन जाए इसी वजह से, क्योंकि हम लोग कहीं और भी जाना था, इसी वजह से थोड़ा काम जल्दी हो जाए हमारा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब डालने के बाद ढक दिए इन्होंने, और अभी इन्होंने पनीर चिल्ली मसाला भी डाला था, तो वो पता नहीं कैसे वो स्किप हो गया, वो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि वो कहाँ गया हमारा वीडियो, वो मिल ही नहीं रहा है। पर इसमें पनीर चिली मसाला भी डाला हुआ है, इससे इस ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी और थिक हुई है, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। और यहाँ मैं बनाने लगेंगे कलौजी, कि सब्जी इतनी थोड़ी सी है, इतनी तो हो नहीं पाएगा, तो एक सब्जी हमें और तैयार करनी थी कलौजी बैगन की। आप रेसिपी मैंने पहले भी इसका शेयर किया हुआ है, तो दोबारा आप क्या शेयर करना, सबको पता ही है। और देखिए
सब्जी कितनी बढ़िया बनी हुई है ना, ये टिफिन भी लग गई है इनकी शॉप के लिए और सब्जी यहाँ बन गई खाने के लिए भी। और अब हम लोग निकल चुके हैं, जाना है हमें कहीं कोई काम से, बताती हूँ अभी आपको। तो यहाँ मैं जा रही हूँ स्कूल अंशिका के कमक्षा सेंट्रल स्कूल, ये आप देख सकते हो रास्ते में हूँ मैं, तो बस हम स्कूल ही जा रहे हैं अब। और रास्ता में तय कर रही हूँ, यहाँ हॉस्पिटल है, यही हॉस्पिटल जहाँ अंशिका माई हुई थी, मैं दिखा रही थी इनको कि अंशिका यहीं पर हुई थी ना। तो ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं हम, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं लेक्सा, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ कितने अच्छे अच्छे मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और एक समय तक कि हम यहाँ रहते भी थे, जी हाँ यहाँ हम कभी रैंक पर रहा करते थे, लेक्सा पर ही एकदम शहरों में बीचों बीच, और अब जाके आउटर में बस गए हैं। पर कोई बात नहीं, जहाँ फैमिली है वही अपना स्वर्ग है, वही अपना शहर, सब कुछ वही है, अच्छा लगता है वहाँ पर भी। पर शहर तो शहर ही होता है ना, और शहर की बात ही अलग होती है। ये देखिए, और हम जा रहे हैं स्कूल अंशिका के सेंट्रल स्कूल, उनका एडमिशन का बात करने के लिए। आपने कुछ दिन पहले वीडियो में देखा था, मेरा बच्चा बहुत रो रहा था अपने एडमिशन को लेकर, उसको यहीं पे एडमिशन करवाना है, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। उसके 10th के एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम तो हो चुके हैं पर रिज़ल्ट तो आया नहीं है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, देखते हैं कि उसका फॉर्म सबमिट हो गया है 11th का, तो बस हम वहीं जा रहे हैं बात करने के लिए। और देखिए, आपसे बात करते करते मैं स्कूल पहुंच भी गई, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ देख सकते हैं आप। अब 11th के लिए है वो मेरिट बेसिस पर, तो एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, मेरिट पर होगा उसका। और LKG 6-9 ये है लॉटरी। जी जी, तो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके मतलब, हाँ उसमें जो मार्क्स आएगा उसके आधार। अरे इसका करो कल, इसका करो ऑनलाइन सर्च करो, इतना लड़ाई से जानने के लिए। तो आप लेवल का तो मतलब इसका क्या एग्जाम, ये लेवल का। तो यहाँ इन्होंने हमें यही समझाया कि जिन बच्चों का 10th का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिनका हायर स्कोर रहेगा, देखो हाँ जैसे ये है, हाँ क्लास नर्सरी LKG इसी तरह आएगा। अच्छा, तो नाम कहाँ आएगा इस क्लास पे? अरे यार इसी तरह आएगा। अच्छा, कौन से क्लास का? 11th का। फिर
तो यहाँ पर गिने चुने बच्चों का ही लिस्ट में नाम दिया जाएगा और कल लिस्ट टांग दी जाएगी कि किन बच्चों का एडमिशन होना है, किन नहीं होना है, किनका नहीं होना है। और जब टेंथ के रिज़ल्ट निकलेंगे उस बेसिस पे ही यहाँ पे एडमिशन होगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, स्कूल से बाहर आ चुके हैं और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। सुबह के 11 ही बज रहे थे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और रास्ते में इनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई, बहुत ही बुरा हुआ। देर तो हो ही रहा था, ऊपर से गाड़ी भी ख़राब हो गई, गाड़ी इनकी पंचर हो गई। अब बैठे गाड़ी बनवा रहे हैं यहाँ पर ये लोग और ये देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हम लोग बिना कुछ खाए पी निकले थे, तो यहाँ गन्ने का जूस पिया जा रहा है मैं और मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था और ना ही मैंने कुछ खाया था। इनकी शॉप से फ़ोन भी आया था और हम लोग को इतनी दूर आना भी था, आने में उतनी दूर से यहाँ आने में ही 1.5 घंटे लग जाते हैं बाइक से। तो बस अब थोड़ा जूस ले लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर अब तो घर जाना ही है। यहाँ देखिए गर्मी एकदम चरम सीमा पे, और जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा आंधी तूफान हमारी तरफ आए हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपसे। एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है रात के समय पर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें आगे तक ले जाएँ, अपना प्यार यूँ ही दें। बाय, गुड नाइट।